इन्वेस्टिगेशन है और जो एविडेंस कलेक्ट हुए हैं सीसीटीवी और बाकी सब चीज़ों के आधार पर, उसके भी आप हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया अभी तक। कितने अभी डिटेन किए हैं, क्या और रेड्स वगैरह चल रही हैं सस्पेक्ट्स को पकड़ने के लिए? कंटिन्यूस जो सस्पेक्ट आ रहे हैं जिनके खिलाफ एविडेंस मिल रहे हैं उनको गिरफ्तारी करने के लिए टीमें लगी हुई है, शीघ्र ही बाकी लोगों को भी हम गिरफ्तार करेंगे। सर, इसमें मास्टरमाइंड कौन है, क्या उसके सहयोगी कितने हैं, अब्दुल मलिक का भी नाम आ रहा है, उसकी क्या प्रोफाइल है, क्या रोल था उसका? देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन एक दिन ही हुआ, इन्वेस्टिगेशन चलते हो तो जितने तथ्य आ रहे हैं जिस तरीके से जा रहे हैं उस तरीके से हम कर रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में जब एक टाइम निकलेगा, जब एविडेंस कलेक्ट होंगे, उसके बाद में सब चीज़ों को जोड़ के देखा जाएगा कि सारे उपद्रव के पीछे कौन है और किसकी प्लानिंग के तहत ये हुआ है, तो उसके बाद हम कह पाएंगे कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। सर, अब्दुल मलिक की ही वो जगह थी जिस पर कब्जा किया हुआ था और सबसे ज्यादा विरोध कर रहा था, अब्दुल मलिक पे हम जानना चाह रहे हैं क्या? ये बात सही है कि जिस जगह को तोड़ा गया था वो जगह का निर्माण अब्दुल मलिक के द्वारा ही नजूल भूमि पर करवाया गया था, तो अब्दुल मलिक के द्वारा इसका विरोध किया गया था। सर, इसमें पेट्रोल बम जिन लोगों ने फेंका, 6 से 7 लड़कों की भी तलाश है, क्या उनको भी चिन्हित कर लिया है? या ऐसे जितने भी लोग जिन्होंने पेट्रोल बम फेंका है या पुलिस पे इलीगल वेपन से फायरिंग की है या पत्थरबाजी की है, सब लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और सबके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या इनमें से कोई मेन आदमी पकड़ा गया है जो वीडियो में आया हो फेंकते हुए या गोली चलाते हुए? कुछ लोग हैं हमारे मतलब कब्जे में, उनसे हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम उनको बाकी चीजों में इन्वेस्टिगेशन शामिल। क्या हुआ था, कल कैसे क्या हुआ था? सर, वहाँ पे ऐसा हुआ था, 4 बजे करीब ना हम पहुंचे वहाँ पे, 3:30 बजे करीब हम पहुंचे। पहुंचने के बाद वहाँ पे पत्थर हम थोड़ा बहुत हल्ला हुआ, इसके बाद थोड़ा सा आगे को मशीन पड़ी तो पत्थर फेंका वहाँ से। आप क्या काम करते हो? क्या हम निगम में हैं सर? हाँ जी हाँ, पुलिस कर्मचारी हैं, पूरा सेवा वेवा कर सब कुछ रहता है। वो तो हम गए थे तोड़ने के, गाड़ी बुड़ी में आग लगा दी हमारी सारी गाड़ियों में सब में। आप कितने लोग थे उस टाइम पे? हम पूरे हमारे 200 कर्मचारी थे पूरे। तो कितने लोग घायल हैं? हमारे कर्मचारी हैं अभी देखो, बाकी 3 तो हॉस्पिटल में भर्ती है, खेड़सर हॉस्पिटल में, बाकी अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती है, इनको पता नहीं है मुझे खाली। बाकी सबके लोगों के, मेरे तो यहाँ आई है, मेरे दो एक पहले यहाँ आई है और दो हाथ पे पत्थर मारे हैं, बाकी हमारे सारे कर्मचारी का भेजड़ा टूटा हुआ है, किसी के सिर में लगी है, किसी के यहाँ लगी है, किसी के टांग में लगी है, सब जगह लगी है। पहले देखिए, हम लोग पूरी सिचुएशन को अच्छे से स्टडी करके और लीगल पॉइंट्स क्या हैं और सरकार की जो इकबाल है उसको कैसे एस्टेब्लिश करना है, सरकार के अगेंस्ट अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो जो भी उसमें क्रिमिनल लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अभी हम लोग पहले पूरा सिचुएशन स्टडी करके फिर जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ करेंगे, फिर वहां से जो भी पॉलिसी बनेगी, जो भी एक्शन पॉइंट्स होंगे, वहां से फिर पूरा मीडिया को हम लोग देंगे। अभी तो वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग द ग्राउंड पोजिशन, वंस वी गो बैक टू देहरादून देन वी विल कम आउट विद द ऑर्डर्स विच विल बी इश्यूड टुडे। इसी कंडीशन के बीच में कुछ मीडिया कर्मी भी वहां से जो कवरेज कर रहे थे उनकी गाड़ियों को भी जला दिया गया है, वहां उनके चोट आए हैं। सो वी वुड होप कि जल्दी से सब लोग ठीक हो जाएं, जो भी मीडिया कर्मी इसमें घायल हुए हैं उनका प्रॉपर इलाज हो जाए, उनको पूरी चिकित्सा सुविधा। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरी डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ, प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई, अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड अनहार्म्ड अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से, पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वॉज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था, बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था, दे वर बिजी इन डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर।
हल्द्वानी की स्थिति को देख मैं बहुत चिंतित था, बहुत दुखी भी था। हल्द्वानी का इतिहास शांति सौहार्द भाईचारे का तरक्की का, आज हम बहुत शर्मिंदा हैं जो स्थितियां वहां पैदा हुई हैं। मैं इस समय इस पे नहीं जाना चाहूंगा कि कौन दोषी है, कहां क्या गलतियां हुई हैं, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि सभी पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए और फिर से सौहार्द कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों से संपर्क किया है, लोग सारे हल्द्वानी के लोग जिनसे भी हमारी बातचीत हुई वो बहुत दुखी भी हैं और वो लोग प्रयासरत हैं कि लोग शांत चित्त होकर के व्यवहार करें और दोनों पक्षों को, प्रशासन को भी धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता है और दूसरे पक्ष को भी धैर्य और संयम रखने की मैं अपील करूँगा।